मंच पर आसीन हमारे मार्गदर्शक और हमारे सहकर्मी और हम सब लोगों के बहुत मायने में दिशा निर्देश जिनसे हम लेते आते हैं और हमारे ऐसे माननीय लोग और दोस्तों सबको मेरा जोहार, जय भीम, जय फूले। आज मैं इस मौके पर आ सकी और मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कई एक बार इसी हॉल में इसी इन्हीं माइक्स के सामने हमने अपने अपनी अपनी बातें रखी हैं और जिनमें ज्यादातर बातें रिजर्वेशन को लेकर रही हैं। रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन हमारे लिए हमेशा एक दर्द का और या वेदना का विषय रहा है, परंतु जब हम कैंपसेस की अवस्था को आंकने की कोशिश करते हैं, और अभी कुछ समय पहले हमारे दोस्त जो गुजरात से आलोक ही नाम है, आलोक बोला था, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करती हूँ, ऐसा होता है और हम इसी तरह तंत्र के हाथ में उसके शिकार होकर बिना जाने कभी कभी जानबूझकर और बिना कभी कभी मजबूर होकर और कभी कभी पता नहीं किन किन अवस्था परिस्थितियों में उसी तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, और इसलिए मैं उनके आवेश को देखकर उनको सलाम करती हूँ कि इस तरह की भूमिका सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में भी हो रही है और पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल अभी विश्वविद्यालयों में है और विशेष करके अभी तो एक दूसरा मोड़ भी आ भी गया है, परंतु उससे पूर्व मैं इस समय अक्नॉलेज करना चाहती हूँ उन सभी संघर्षों का जिसके तहत 10 साल पहले ओबीसी रिजर्वेशन के लिए भी इस तरह का एक्ट आया, पहले बिल के रूप में आया, उस पर बहसें हुई, बहुत बहस हुई इस कैंपस में, हम लोगों ने बहुत सी बहसों को देखा, उसके हम चश्मदीद गवाह हैं, परंतु उन सभी संघर्षों के बावजूद ये एक्ट भी आ सका और इफ्स एंड बट्स हमारे लोग जो कि बाकी अपने आप को 50.5% घोषित करने की कोशिश करते हैं, इफ्स एंड बट्स लगाते रहते हैं, और उन लोगों के लिए सबसे वेदना की बात होती है कि जब आप और हम उनके कट ऑफ मार्क्स के ऊपर भी स्कोर करते हैं, और जिस बात की चर्चा शायद आलोक कर रहे थे कि उसका एक इनडायरेक्ट यही है कि जब हम वहां पाए जाते हैं तो हमें क्यों बॉक्स में डाला जाए, ये क्वेश्चन आता है, परंतु क्यों बॉक्स में डाला जाता है, क्योंकि हम सभी जगह नहीं दिखाई देते। अभी थोड़ी देर पहले जब आंकड़ों की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि सरकारी जॉब्स में 12% केवल है, पहले भी एक्ट के पहले भी थे और आज भी हैं, तो इस एक्ट का क्या हुआ, क्या असर हुआ, शायद हमें देखने की बात है, ना केवल विश्वविद्यालयों में इसमें शोध करने की बात है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन जिनके हाथ में है उनके साथ बैठकर चिंतन करने की बात नहीं है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या किस तरह से किया जाए, उन थ्रेड बेयर चीजों को देखने की बात है। दूसरा कि जब ये भी बोला जा रहा था, ये तो 27% की बात हुई और बाकी 22% की बात तो इतनी दयनीय है कि उसकी चर्चा करने से केवल वेदनाएं ही होती हैं, और उसकी वो इसलिए होता है, मैं बार बार इस बात को कहने की कोशिश करती हूँ कि हायर एजुकेशन में SC ST बच्चे इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनके स्कूलों की अवस्था को जाकर देखिए, उनके स्कूलों की अवस्था को जाकर देखिए जो किसी तरह आ जाते हैं, जैसे बोल रहे थे टूटी फूटी इंग्लिश बोल भी लेते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश ना जो नहीं भी बोल पाते हैं, अभी थोड़ी देर सुमित आए थे, मुझे लग सुमित अभी भी है, सुमित को उड़िया में पहला गाना करना चाहिए था, परंतु शायद उनके उड़िया गाना को सभी लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, परंतु मैं आशा करती हूँ
सुमित ऑल सिक्स लैंग्वेजेस को यूज करके वो अपने अपने गाने बनाएंगे ताकि हर ट्रांसलेशन को हर भाषा में सुना जा सके। और तो बात ये है कि स्कूलों की अवस्था ऐसी, दुर्दशा ऐसी है कि इस दूर तक यहाँ तक आ ही नहीं सकते, और जितने आ सकते हैं उनका किसी ना किसी तरह से सफोकेशन की परिस्थिति बनाई जाती है, उनको बतलाई जाती है समझना कभी कभी की औकात क्या है। और ये सब हम लोग जब टेबल के दूसरी तरफ रहते हैं तो बिल्कुल हमारे लिए सहनीय नहीं होती, और यथासंभव कोशिश होती है कि हम सब मिलकर, परंतु स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर इन परिस्थितियों का निराकरण कर सकें। और इसलिए आज जब हम हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात पर चर्चा करना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश ये भी रहेगी कि रिजर्वेशन के तहत विशेष करके SC ST एरिया लोगों के जिस एरिया से आते हैं वहाँ की स्कूली शिक्षा और शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, और अगर इफेक्टिव बनाना है हमें रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इफेक्टिव बनाना है तो शायद नीचे से ही भी हमें काम करना होगा। कुछ हम लोगों में से कुछ लोगों को जैसा पी बैक टू सोसाइटी में हो सकता है हमें अपने कुछ साल उसमें देने पड़े ताकि हम उन चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर केवल नहीं परंतु माइंडसेट और सब तरह की चीजों को बदलने में अपना छोटा छोटा योगदान देने सके। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो शायद आलोक नहीं कहा था, आलोक माफ कीजिएगा मैं बार बार आपको रेफर कर रही हूँ, मैं भूल भी गई। यस, ये कि हमें डिसाइड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी आइडेंटिटी जो है, या तो हम ओप्रेसर के साइड में रहें या कि ओप्रेस्ड के साइड में रहें। अगर हम अपनी आइडेंटिटी एज ओप्रेस्ड क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम ओप्रेसर के साथ के साइड में नहीं होंगे। और अगर हमें ये नहीं पता है कि हम ओप्रेस्ड हैं या नहीं तो हो सकता है हम इधर उधर स्विच होते रहेंगे। इसलिए मुझे अपने सभी दोस्तों से जो यहाँ उपस्थित हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम ओप्रेस्ड हैं तभी आपको दूसरे ओप्रेस्ड की वेदना और उनके दर्द का जो रिश्ता है उसको हम महसूस कर पाएंगे। और वाकई में केवल अपने ओप्रेशन की बात नहीं परंतु जैसा सामाजिक न्याय का डेफिनेशन हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि हर वो लास्ट व्यक्ति जो समाज का हिस्सा है उस तक के न्याय के लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, अपने अपनी अपनी लड़ाई करते रहेंगे और गोल को अचीव करने पर ही हम शांत बैठेंगे। और इसलिए जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम उसके डेफिनेशन को जरूर अपने सामने रखें, और जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उसको एक अंजाम देने की कोशिश करें कि कम से कम कोशिश करें और एक अर्नेस्ट कोशिश करें। अगर हमें अपनी आइडेंटिटी एज नॉट ऑप्रेस्ड या ऑप्रेस्ड नहीं क्लियर है, हम क्लियर करें ताकि हम गलती से भी ऑप्रेसर के साइड में ना रहें अगर हमारी संवेदना ऑप्रेस्ड के साथ है। और इसलिए मैं पहली वक्ता होने के नाते मैं उतनी प्रिपेयर नहीं थी, परंतु मुझे ये एक सम्मान मिला है कि मैं आज इस सभा में हिस्सा बन सकी हूँ। और जब हमारे शरद यादव जी को सम्मानित किया जा रहा है साथ में हमारे, मैं इस अवार्ड कमेटी का बहुत ही को बधाई देना चाहती हूँ कि युवा जिनमें पोटेंशियल देखा गया ऐसे हमारे युवा साथियों को एनकरेज करने के लिए जो 5 लोगों को चयनित किया गया शरद यादव जी के साथ, ताकि आज की सभा के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जा सके। क्योंकि हमेशा हम लोग अपने बीच में या तो लीडर्स की कमी पाते हैं या तो हीरोज की कमी पाते हैं, और जब लीडर्स की जब इस तरह के समारोह होते रहेंगे तो लीडर्स की कमी हमें महसूस नहीं होगी। बहुत धन्यवाद।